ज़ैनब, ओवर टू यू। हाँ जी, जो चिकन रोस्ट है वो रेडी है, लेकिन उसकी रेसिपी जो है मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि यहाँ पे मैंने चिकन लेग पीस जो है वो 4 अदद ले लिए थे। जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो 4 पीसेस के हिसाब से जो है वो है। तेल यहाँ पे हसब ज़रूरत है, मैं बाद में बताऊँगी कि तेल इसमें क्यों चाहिए। दही यहाँ पे 2 पैकेट, अच्छा दही जो है मैंने टेट्रा पैक वाला यूज़ किया है जो बाहर से मिलता है। उसकी रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। डब्बे वाला? डब्बे वाला नहीं, पाउच वाला जो है मैंने इसमें दही यूज़ किया। चिली गार्लिक केचप जो है 1/4 कप इसमें गया। चाट मसाला 1 खाने के चम्मच, तंदूरी मसाला जो बनाया मिल जाता है 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, धड़ा मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक मलका का 1 खाने के चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, फूड कलर 1 चाय का चम्मच, तिल जो सेसमी सीड्स होते हैं वो 1 चाय का चम्मच, और पानी हसबे ज़रूरत। तो अच्छा, तिल सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो अभी किसी को अगर यूरिन का मसला है ना, तो तिल बड़े उनके लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी मैं ये प्रोसीजर बता देती हूँ कि जो ये चिकन पीसेज हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन पीसेज को आपने फ्राई कर लेना है, जैसे इनका कलर चेंज हो जाता है, पिंक से ये वाइट हो जाता है, तो आपने जितने भी मसाले मैंने बताए हैं आप इसको मैरिनेट करके 4 घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद आपने इसी तरह से पतीले में एक मिल जाता है जाली वाली स्टैंड मिल जाता है, जिसके ऊपर आप अक्सर जो है हम गरम पतीला रखते हैं, जो अक्सर माइक्रोवेव भी नया खरीदे तो उसके साथ भी मिल जाती है, तो उसके ऊपर आपने जो है पहले पतीले में आपने पानी डालना है, उसके बाद आपने चिकन पीसेस रखने हैं, और फिर आपने जो है इसको स्टीम करने पीसेस को रख देना है, और जैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये पक गया है तो आपने वो जो दही का मिक्सचर है वो आप इसमें जो है वो ऐड। लेकिन यहाँ पर आई एम सो सॉरी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐलान-ए- ख़ुसूसी है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि साइमा ने वो बोटी खा ली, इसमें मेरी नजर थी, मैंने इसको मना भी किया, इस वाली हड्डी से खा लेकिन शी एट दैट। साइमा ज़ैनब जो बना हुआ है चिकन जी बहुत बेहतरीन है, बहुत टेंडर है। हाँ, मैं टेंडर ही कह रहा हूँ, बहुत अच्छा इसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन तुमने वो देखा है, वो एक लाल सा होता है, थोड़ा सा अगर कच्चा रह जाए तो हल्की सी लाली लाली सी होती है, नहीं है वो, नहीं है। लेकिन लेकिन जिसके आपको फुल मार्क्स मिलते हैं वो है पुदीने की चटनी। यार बहुत मजे की बनी है, वेरी नाइस। मैं साहब यही कह रहे थे कि बड़े मजे की पुदीने की चटनी है, बहुत वेरी नाइस। पुदीने की चटनी ठीक बनाई है ना तुमने? अच्छा, लोग ठीक नहीं बनाते। हाँ, बड़ी पानी पानी वाली हो, साफ कर दसा। अच्छा मैं रेसिपी भी बता देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने पुदीने की जो गड्डी है वो 2 अदद ले ली थी, और जो धनिया पूरा बंच जो मिलता है ठीक है उसको मैंने पूरा साफ कर लिया था वो यूज़ किया, और 3 से 4 जो है मैंने सब्ज मिर्चें ले ली थी, और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मलका का यूज़ किया वो डाल दिया था, नमक और लेमन जूस, और उसको ब्लेंड कर दिया था ब्लेंडर में डाल के, और पानी बिल्कुल भी आपने नहीं डाला, पानी नहीं डाला, और जो दही है उसमें भी पानी नहीं डाला, इसलिए वो थिक थिक है। ठीक ठीक जगहों पर यह होता है कि पानी डाल के बस उसको करने के करते कि पूरा हो जाए, तो ये इसलिए इस तरह ठीक से है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग इसलिए भी पानी डाल देते हैं कि चलो ब्लेंडर अच्छी तरह से चल जाएगा, लेमन जूस अगर आप डाल दें तो फिर आप जो है इसको इस तरह से ठीक रख सकते हैं। अच्छा ज़ैनब एक चीज बताओ, क्योंकि ये गरम गरम ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसा क्या करें कि घर वालों के सामने जैसे रखा है तो ये फौरन ठंडा हो जाता है, तो क्या इसको सिल्वर वही फॉइल पेपर में कर दें? फॉइल पेपर पे आप सर्व करें, हॉट पॉट के अंदर आप डाल दें। फॉइल पेपर क्या करें, हर चिकन को फॉइल के अंदर कर दें? नहीं, आप बड़ा सा पीस ले लें और सारे चिकन पीसेस उसके अंदर रख दें, और उसके ऊपर फिर एक और फॉइल पेपर कर दें, ताकि अगर आप खोलें भी उसको जैसे मेहमानों को हीट स्टीम अंदर ही हो, स्टीम अंदर ही है, वरना हॉट पॉट बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप उसमें इसको रख सकते हैं। मैं दही की बात बता रही थी कि दही मैंने वो पाउच वाला इसलिए यूज किया कि वो बहुत ज्यादा थिक होता है, अगर आप घर में दही बना तो फिर तो वो ऑप्शन बहुत अच्छा है कि वो थिक थिक है, क्योंकि इसका जो मसाला है वो उसके ऊपर स्टे करना चाहिए। जो बाजार में दही मिलता है वो बहुत पानी वाला होता है आजकल, इसी तरह से दही मिल रहा है, तो आप मैं तो यही कहूंगी कि वो पाउच वाला दही जो है वो बेस्ट रहेगा। ठीक है।